मैं जानता हूं कि तुम लड़की नहीं, तुम तो मयूरेश। तुम यहां इच्छा से मिलने आए? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली इच्छा से मिलने के लिए? मतलब मयूरेश, तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है और तुम्हारा इस तरह इच्छा के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहां देखो मयूरेश, तुम्हें इच्छा से मिलना है, इसे बात करनी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इच्छा के कमरे में आना नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, देखो मयूरेश, तुम हमारे घर में मेहमान हो और हमारी घर की कुछ मर्यादाएं हैं और तुम्हें उसका पालन करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह। तो अगली बार तुम्हें इच्छा से बात करनी है, तुम्हें इससे मिलना है, तुम हमें आके बताओगे, हम तय करेंगे तुम इसे कब और कहां मिलोगे। ठीक है? ठीक है, तो जाओ। और तुम क्या कहा था मैंने, हाँ जल्दी नहीं करनी है? तुम क्यों उस मयूरेश से बार बार मिल रही हो? मैं कहाँ मिल रहा हूँ? यारे मिल रहा हूँ, मिल रही है क्या लगा रखा है? हाँ अब सॉरी। तो अपना स्त्रीलिंग पुलिंग भूल जाती हो क्या? नहीं नहीं, वो कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर। कौन कह रहा है जल्दी करने के लिए? हाँ देखो इच्छा, तुम्हें किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले बार ये मयूरेश दरवाजे पे आए तो दरवाजा मत खोलना। हाँ लेकिन मैं, अरे कहा ना मैंने जल्दी नहीं करनी है। देखो अच्छा, अगर उसे याद हुए किसी ने देख लिया तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी सोचो। हाँ सही कह रहे हो आप, मैं ना थोड़ी बुद्धू हूँ, आजकल तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। टाटा मारो मुझे। टाटा मारो। मैं टाटा मारो? नहीं नहीं इच्छा, टाटा मारो 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 मारो। पापन जी आप ठीक हो ना? सपना तो नहीं है, है तो ये इच्छा ही, लेकिन ये इतनी आसानी से मेरी हर बात मान रही है, बात हजम नहीं हो रही है। बब्बन जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है इस बार माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है नागुमिदेव, बब्बल जी मेरे ही कमरे से बाहर आ रहे हैं, मतलब वो वाकू से मिलकर आ रहे हैं। वाकू इच्छा बनाए, अब एक ही वक्त पे एक इच्छा अंदर और एक इच्छा बाहर हो नहीं सकते। तू भाग ले इच्छा, बब्बल जी ने देख लिया अब तो गड़बड़ हो जाएगी। इच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी वो मेरी चूड़ी ना नीचे गिर गई थी, मिल गई तो मैंने पहन ली। ठीक है, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? तुम यहाँ कैसे? कैसे मतलब? अभी कुछ सेकंड पहले तुम अपने कमरे में थी और अब तुम यहाँ कैसे? हाँ तो इसमें इतने चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात है अच्छा, ये जो तुमने किया है ना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बब्बल जी आप ये क्या बोल रहे हो, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इंसान नहीं तो क्या भूत हूँ? तुम्हारी हरकतों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। बब्बल जी मैं क्या, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना, ये अपनी नाक नीचे करो और जवाब दो मुझे।
तुम यहाँ कैसे, वो भी मुझसे पहले? हाँ कैसे मतलब? मैं अपने कमरे से निकली, मतलब आपके बाद निकली, और फिर आप जब यूं ऐसे ऐसे कुछ सोच रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। हो ही नहीं सकता, इतने कम वक्त में वहां से आना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपसे बहुत तेज हूँ बब्बल जी। हाँ वो तो तुम हो, तभी तो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मुझे अपने कमरे में मिलती हो तो भीगी बिल्ली बन जाती हो और कमरे के बाहर शेरनी की तरह घुर्राती हो, ये अंदर बाहर का मामला क्या है? मामला मामला कुछ नहीं है, दरअसल मैं कभी भी कुछ भी बन सकती हूँ, आप नहीं जानते मैं किच्छा। क्या? बोलो रुक क्यों गई? मुझे भी जानना कि तुम आखिर चीज क्या हो, बोलो ना। हाँ जानने समझने के चक्कर में मत पड़िए बब्बल जी, एक तो मैं आपके समझ में आऊंगी नहीं, और अगर गलती से समझ में आ भी गई तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ये क्या बोल गई? मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं और उल्टा मेरी कंफ्यूजन बढ़ा के चली गई। वाकू वाकू, इच्छा कहाँ थी तुम इतनी देर? इच्छा एक बात गांठ बांध लो, आज के बाद नहीं नहीं अभी इसी पल के बाद मैं फिर दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। दुनिया भर का जो मर्जी काम बोलो मैं करूंगा, मुझसे मेरी जान मांग लो वो भी दूंगा, लेकिन इच्छा कभी नहीं बनूंगा। यहाँ देखो बब्बल आ रहा है, वहां देखो दादी आ रही है, सर पर देखो प्रबल चबल खड़े हैं, गलती से एक आध बार अकेला होता भी हूं ना तो ममता दीदी का प्यार उमड़ आता है, और ये सब अकेले नहीं आते, अपने साथ एक मुश्किल लेके आते हैं। इच्छा तुम महान हो, दिन में जितनी सांसें लेती हो उससे ज्यादा मुसीबतें झेलती हो, लेकिन मैं एक साधारण नाग हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। बस कर वाकू, तू कितना बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है, मैं आ गई हूँ ना अब चुप। हाँ लेकिन आज के बाद इच्छा नहीं बनूंगा। इच्छा दीदी कैसी हो आप? गुनगुन मैं एकदम ठीक हूँ। काम हो गया ना, वो जादुई पानी? हाँ वो मैं लेकर आ गई हूँ। दीदी अपना हाथ आगे कीजिए। क्यों? अरे कीजिए ना, ये लीजिए आपका इनाम। इनाम में मूंगफली? मैं जानती हूँ आप मुझे बताओगे नहीं, लेकिन ये पानी वहां से यहाँ लाना मुश्किल होगा ना, आपने कितना कुछ सहा होगा। छोड़ो वो सब, जो हुआ सो हुआ, अब ये सोचो कि हमें आगे करना क्या है। जल्द से जल्द ये पानी मयूरेश पर छिड़कना है। गुनगुन ये पानी असर करेगा ना? हाँ पक्का करेगा, और अगर नहीं किया ना तो मैं तुम्हें पीटूंगी। आप मुझे पीटेगी? मैं गिलहरी हूँ, आग झपकने से पहले जगह बदल लूंगी। अच्छा तुम गिलहरी हो तो मैं भी नागिन हूँ, यूं पकड़ लूंगी। अब ये पकड़ा पकड़ी का खेल बाद में, चलो अभी चल के इस मयूरेश पर ये पानी छिड़कते। नहीं गुनगुन ये सब इतना आसान नहीं है, मयूरेश को कमजोर समझने की गलती हम नहीं कर सकते, उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, उसे परास्त करने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। कैसी योजना? मैं बताती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। योजना तो अच्छी है दीदी, लेकिन एक परेशानी है। क्या? वो बुरी वाली गिलहरी, अगर उसने अपनी टांग बीच में अड़ा दी तो? नहीं अड़ाएगी, क्योंकि उसकी टांगे में कई और फंसा कर आई हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक गिलहरी के नाम पर धब्बा हो तुम। आज इच्छा मर ही जाती महारानी, मैंने पूरी तैयारी कर ली, पर ऐन वक्त पर उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर दो चार दानों की वजह से तुम अपना लक्ष्य भूल गई। हाँ वो अब ये सब छोड़ो, एक आखिरी मौका देते हैं हम तुम्हें। उस इच्छा ने अभी तक मयूरेश से शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, जाहिर सी बात है इस बात का जिक्र दोबारा जरूर होगा, उस इच्छा पर दबाव बढ़ेगा, वो अपनी धुन में होगी,
और इसी बात का फायदा तुम्हें उठाना है और उस पर हमला करना है। अब जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो। जी महारानी। देख छोरा, मैं केले के आई। अंगूठी किसके लिए? इच्छा के होने वाले पति के लिए, सगाई की अंगूठी। लेकिन दादी, ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? मतलब अभी तो जल्दी करनी पड़े छोरा। कल को इच्छा की शादी तय हो गई और अच्छा सा मुहूर्त जल्दी से निकल आया, तो इन चीजों के लिए समय कहाँ रहेगा? अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जाके सहूलियत होगी। लेकिन दादी, कोई लड़का पक्का भी तो नहीं हुआ है? कोई ढंग का लड़का मिले तभी तो हम। अरे अपना मयूरेश है ना, कितना अच्छा छोरा है, इच्छा को पसंद भी करता है, और तो और उसने इच्छा की जान भी बचाई। क्या दादी, अब ये कौन सा अजीब उसूल है? हाँ, जान बचाई तो शादी करा दो। दादी, हम मयूरेश को ठीक से जानते तक नहीं है, अभी उसको आए हुए एक ही दिन हुआ है और आप। छोरा, सारी समस्या मयूरेश ना है, इच्छा के लिए मैं कोई भी छोरा लाके खड़ा कर दूंगी ना, तो उसमें भी खोट निकालेगा, क्योंकि तू अभी भी इच्छा से प्यार करता है। तू नहीं चाहता कि इच्छा की शादी किसी और के साथ हो। तुझे लगता है कि तुझसे अच्छा पति इच्छा के लिए कोई हो ही नहीं सकता। छोरा, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इच्छा ऐसा ना मानती ना, वो तुझसे प्यार नहीं करती। देख छोरा, इच्छा की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। उसकी मर्जी के खिलाफ न मैं उसकी शादी मयूरेश से करवाऊंगी और ना तुझसे। ये फैसला इच्छा को ही करना है, और वो भी जल्दी। मयूरेश कमरे में नहीं है, कहाँ गया होगा? इच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मतलब? मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि मेरे मुकाबले तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। मुझे मारना तो दूर, मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती तुम। लेकिन मैं ऐसे किसी इरादे से आई नहीं हूँ। देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना कोई हथियार ना कुछ। तो फिर इस तरह चोरी छुपे मेरे कमरे में आने का मतलब? बस इसीलिए ताकि कोई मुझे देख ना ले। मुझे इस तरह अकेले तुम्हारे कमरे में आते हुए घर में किसने देख लिया तो तुम तो समझ ही सकते हो। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो। यानी बरामदे में चल के बात करें? बरामदे में जो बात मुझे करनी है, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तुम सुनो। यहाँ कोई आ गया तो? अब बरामदे में कोई नहीं होगा, वहां चले। ठीक है, चलो। मयूरेश आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया। आ जाएगा, इच्छा उसे किसी न किसी तरह बाहर ले ही आएगी। उसके आते ही मैं आपको इशारा कर दूंगी। अब तैयार है ना? एकदम। आज ये जानकारी दम लेंगे कि ये मयूरेश है कौन। मयूरेश, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मैंने कहा। आपको क्या बात करनी? तुम्हारा मुझे इस तरह यहाँ लेकर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। इच्छा, तुम्हें तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। किस किस बात का गम उठाऊंगा मैं? वो छोड़ो,
तुम अपनी कहो। बात तो वही है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इच्छा ये बात तो मुझे पहले भी बोल चुकी और दोबारा ये बताने के लिए तुम बरामदे में लेके जा रही। इच्छा चल क्या रहा तुम्हारी बात, बोलो बोलो कौन सा जाल बिछाया तुमने, बोलो। इतनी देर हो गई, अब तक तो इच्छा को मयूरेश को लेकर आ जाना चाहिए था, कहाँ अटक गए दोनों? पता नहीं। इच्छा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। बरामदे में ले जाकर तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुम्हें। झूठ! देखो इच्छा, एक हद के बाद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर मैं जहां तक सवाल शादी का है वो तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी में। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। इच्छा इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इच्छा की जिद तुमने अभी देखी कहां है? मतलब वो तो तुम अब देखोगे। मैं खुद जाकर घर वालों को अपनी सच्चाई बता रही हूँ, उसके बाद मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। हो सकता ये लोग मुझे इस घर से निकाल दें, कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी जहां तक ना तुम्हारी नजर पहुंच पाएगी और ना तुम्हारी चाहत। इच्छा तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी, तुम और तुम्हारे इरादे यही निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इच्छा रुको, अब तो बहुत देर हो गई भैया। हाँ गुनगुन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और वो कहीं और? लेकिन जगह तो यही तय हुई थी ना। वो तो हमने तय किया था। इच्छा दीदी कह रही थी कि मयूरेश बहुत ही चालाक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारी योजना के बारे में पता चल गया हो और वो खुद इच्छा दीदी को। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो गुनगुन इच्छा को ढूंढते हैं, उस मयूरेश का कुछ भरोसा नहीं है, इच्छा की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इच्छा दीदी मिल जाएगी, चलिए देखते हैं। रुको, चलो तुम यहां से निकलो, मैं पीछे के रास्ते से आता हूँ। क्या हुआ अब क्यों रोक रहे हो मुझे? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि अब ना तो तुम्हारे पास कुछ बोलने लायक बचा है और ना देने लायक कोई धमकी। इच्छा छोड़ो ना ये सब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना ही काफी नहीं है? जो सच्चा प्यार करते हैं वो अपनी पहचान नहीं छुपाते, अपना कल अपना आज खुलकर बताते हैं। जहां प्यार होता है वहां बीमती होती है, धमकी नहीं, त्याग होता है स्वार्थ नहीं। और मैंने तो ऐसी कोई खूबी नहीं देखी तुम में, क्यों करूं मैं तुमसे शादी एक ऐसे शख्स के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं हूं, उसे जीवन साथी बनाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। इच्छा ऐसी बातें मत, तुम मुझे जान भी जाओगी पहचान भी जाओगी लेकिन अभी नहीं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं बच्ची को जान से मार दूंगा। अच्छा तो ये योजना थी तुम्हारी, इच्छा क्या है इस कलश में बोलो। इच्छा ये कलश मुझे दे दो, कलश मुझे दे दो इच्छा, कह रहा हूं तुम्हें आखिरी बार। कलश तो कलश नहीं, कलश का पानी मिलेगा तुम्हें।
मयूरेश बताया, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इच्छा तू भी ना। कोई बात नहीं दीदी, देर से ही सही, लेकिन इसकी सच्चाई सामने तो आ गई। हाँ गुनगुन, लेकिन मुझे लेकिन क्या इच्छा? बाकू एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर मयूरेश मोर है तो वो मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? मोर तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब तो मयूरेश भाग चुका है ना, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। वो आएगा गुनगुन, वो मुड़कर जरूर आएगा। जहां तक मैंने उसे परखा है वो कमाल का जिद्दी है, और उसके पास ऐसी ऐसी शक्ति है कि नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अच्छा तुम सही कह रही हो, एक बात का डर अभी भी कायम है, हमने मयूरेश का नकाब उतारा है, अगर उसने गुस्से में आकर तुम्हारी सच्चाई घर वालों को बता दी तो। बाकू उसे संभाल कर रख, मैं गुनगुन को लेकर अंदर जाती हूँ। चलो गुनगुन। रुक जा छोरे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.